तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज हमारे पास पेंसिल इरेजर और ये है वरिसन ब्रांड का, और इसको भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस करा है, बट आपको ये अमेजोन पे भी सेम प्राइसिंग में मिल जाएगा। मुझे ये 300 में मिला था और अमेजोन पे भी आपको 300 में ही मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर अमेजोन से परचेस करना चाहते हो तो लिंक पे जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपके लोकल मार्केट में ये मिल जाता है तो ये आप परचेस कर सकते हो। तो उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़रूरी है आपके लिए, और 300 अगर आप पे कर रहे हो तो ये वर्थ इट है या नहीं है, तो ये आप अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा। तो फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ डिटेल वगैरह यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है कि हाईलाइटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, स्केचिंग पेंसिल स्केचिंग चारकोल ड्राइंग और इस तरीके के, तो कुछ ज़्यादा खास लिखा हुआ नहीं है। इसको फटाफट से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इस तरीके के हमें देखने को मिलता है, शेप है वो एकदम सर्कुलर है, और जो ये इरेजर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत इसके पहले जो मैंने यूज़ करी है उसका जो इरेजर का जो हार्डनेस था बहुत ज़्यादा था, तो स्किन टोन में मैंने उसको बहुत यूज़ करा है, अभी तो ख़त्म हो गया, और इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये जो मोनोजेरो इरेजर है इसको ये रिप्लेस कर पाती है कि नहीं, बट इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। और पर पीस अगर आप देखा जाए तो ये 50 रुपीज़ पड़ती हैं, 6 इरेजर्स हैं और 300 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, मतलब 50 रुपये का एक। इसको मैं ट्राई करके देख लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस वर्क बनाया था, और यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने दिए हैं वो है मोनोजेरो इरेजर से मैंने दिया था, तो यहाँ पे मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। फिफ्टी रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, और अगर आपके पास मोनोजेरो इरेजर है तो इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर आपके पास मोनोजेरो इरेजर नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके के एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हो, आसानी से यूज़ में आ जाएगा, पर जो एकदम एक्सट्रीम डार्क एरियाज़ होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। और इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो लीड का जो हार्डनेस है और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, तो डार्क एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो इसको मैं मोड़ पा रहा हूँ, तो यार इस वाले इरेजर को इस तरीके का जो बड़े साइज़ का शार्पनर है इससे शार्प करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से शार्प करते हो तो इसका जो इरेजर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो वो शार्प नहीं हो पाता। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यार आप इस तरीके का जो कटर होते हैं इससे आप इसको बढ़िया तरीके से शार्प कर लो, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन उसके बाद आप इसे ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। तो 50 रुपीज़ में कोई बुरा डील नहीं है, अच्छा डील है। अगर आपके पास वैसे मोनोजेरो इरेजर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम जगह पर आप इसको यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको वैसे मोनोजेरो इरेजर के बाद भी आप इसको बहुत जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, तो उसका अलग यूजेस हो गया और इसका अलग यूजेस हो गया। तो थोड़ा बहुत मैं शेड करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये इरेज कर पाता है, वो तो चारकोल था, मैं ग्रेफाइट शेड करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने HB से 2-3 लेयर ऐड करे हैं और इसे मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये यहाँ पे इरेज तो कर पा रहा है बट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो आप इसको उस जगह पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको इस तरीके के हाईलाइट देने हैं, बिल्कुल विजिबल नहीं इस तरीके के, क्योंकि हर तरीके का हाईलाइट हमें देना पड़ता है, कहीं पे एकदम इंटेंस हाईलाइट देनी पड़ती है, कहीं पे थोड़ा हल्का फुल्का हाईलाइट देना पड़ता है, तो उस जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं इसको यूज़ करूं तो ये जो है वो उससे ज़्यादा इंटेंस हाईलाइट देती है, क्योंकि इसमें इसकी जो लीड की हार्डनेस है वो ज़्यादा है, तो अच्छे तरीके से ये ऐसे एरिया में इरेज कर पाती है। तो अलग अलग यूजेज़ हैं, आप एकदम से इसे रिप्लेस नहीं कर पाओगे इससे, क्योंकि इसके अलग यूजेज़ हैं, खासकर इसको ना स्किन टोन पे या फिर अगर आप क्लोथ वगैरह बना रहे हो
तो वहाँ पे जहाँ पे हल्की फुल्की हाईलाइट देनी है यहाँ वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप बिगनर हो तो ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 300 रुपये में आपको 5 पेंसिल्स मिल रहे हैं, पेंसिल इरेजर मिल रहे हैं, तो आराम से आप अगर इसको परचेस करते हो तो लंबे टाइम के लिए चल जाएगा, 6-7 महीने तो ईज़िली चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बुरा डील नहीं है। आप खर्च कर सकते हो अगर 300 रुपये तो ये परचेस कर सकते हो, अगर नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये है तो आपको इसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो बस कैसे आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।